जाता है। इनफैक्ट वहाँ पर ना 1 month का ट्रायल भी है, अभी काम कर सकते। Hey my beautiful peoples, welcome back to my channel. I hope all you are doing good and welcome back to another exciting video. So guys, आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू वेयर कॉन्टेक्ट लेंसेज, मतलब आप कैसे कॉन्टेक्ट लेंसेज ईजिली वेयर कर सकते हो कोई भी डर एंड रुकावट के बिना। मेरा सिर्फ 2 महीने के एक्सपीरियंस है, लेंस मैंने 2 महीने से मैं पहन रही हूँ। आज इसलिए नहीं पहना अभी वीडियो करते हुए क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हाउ टू वेयर कॉन्टेक्ट लेंसेज। आप लोगों को मेरा पास 2 महीने का पहले का वीडियो याद है, मैं इतनी डरी हुई थी नहीं पहनना कॉन्टेक्ट लेंसेज, इतनी घबराहट सी हो रही थी, प्रॉब्लम भी हुआ था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पर अब से मैं, आप लोग ने मेरा डेली व्लॉग्स देखा, मतलब अभी जो हफ्ते में 2-3 बार मैं ब्लॉग देती हूँ, बाहर जाती हूँ, घर में देती हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं लेंस पहन के करती हूँ क्योंकि मैं अभी कंफर्टेबल हो चुकी हूँ लेंस पहनने में। एंड पहला थोड़ा प्रॉब्लम होता था लेंस पहनने में, कैसे पहनूँ, आधा घंटा लग जाता था एक आँख में घुसाने के लिए। तो अभी हैबिट हो चुका है पहनते, इस तरह आपको भी हैबिट हो जाएगा क्योंकि मेरा फर्स्ट का वीडियो देख कर आपको लगा होगा नहीं भाई जिंदगी में लेंस नहीं पहनना, पर अभी लेंस पहनना बहुत आसान हो चुका है। तो वही आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली। सो या विदाउट एनी फादर डू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। रहा मेरा कॉन्टेक्ट लेंसेस एंड मैं एक्वा कलर का लेंस यूज़ करती हूँ, एक्वा लेंस का कम्फर्ट सोल्यूशन वाला लेंस यूज़ करती हूँ। ये 1 year का लेंस है, मैंने जब फर्स्ट आप लोगों के साथ एक बार रिव्यू किया था वो मंथली था एंड ये है 1 year का। इसका प्राइस लिया है मेरे से, मैंने डायरेक्ट स्टोर से लगे खरीदा है, 499 rupees मेरे से इसका प्राइस लिया है। तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी हाउ टू वेयर कॉन्टेक्ट लेंस, पर उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइज, ऑलवेज वॉश योर हैंड, सैनिटाइजर बिल्कुल मत यूज़ कीजिए क्योंकि मैंने ऐसा किया था फर्स्ट वीडियो में, आप लोग ने देखा होगा मेरा लेफ्ट आईज पूरा एकदम रेड हो गया था। क्यों, मैंने क्या किया, मैंने डेटॉल यूज़ नहीं किया, डेटॉल हैंड वॉश जो होता है कोई भी हैंड वॉश यूज़ नहीं किया, मैंने सैनिटाइजर यूज़ कर दिया। सैनिटाइजर अच्छा नहीं होता है कॉन्टेक्ट लेंस के लिए। ऑलवेज वॉश योर हैंड विद अ काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटॉल, लाइफ बॉय, जो भी आपके घर में साबुन, इससे वॉश कर दीजिए, पर नेवर यूज अ सैनिटाइजर और ऐसे ही पानी में मत धोके आए क्योंकि डस्ट लगा रहता है। तो डस्ट फ्री होना चाहिए हैंड्स, तभी आप लोग कॉन्टेक्ट लेंसेस पहन सकते हो, अदरवाइज आईज का बात है गाइज, प्रॉब्लम होगा और लेंस भी खराब हो जाएगा उससे। तो इसलिए ऑलवेज वॉश योर हैंड विद एनी काइंड ऑफ लिक्विड, डेटॉल, लाइफ बॉय, एनीथिंग, आप लोग के घर में जो भी हैंड वॉशेस है, बट नेवर यूज अ सैनिटाइजर। सो गाइज, मैंने अच्छे से अपने हैंड को वॉश कर लिया प्रॉपरली एंड अभी मैं कॉन्टेक्ट लेंसेज वेयर करने वाली हूँ एंड फर्स्ट मैं ये वाला ओपन कर लेती हूँ। एंड हाँ, आप लोग को इसके साथ लिक्विड भी मिलता है, ठीक है, जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है लेंस के अंदर भर के रखने के लिए। अगर आप लोग ऐसे खाली मत रख दीजिए, ठीक है, लेंस अपना, वरना सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा। ये लिक्विड इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपका लेंस एक्टिव रहे और अच्छे से रहे। एंड ये लिक्विड भी बहुत अच्छा होता है आपके आई के लिए। आप लोग सोच सकते हो कि शायद लेंस साइड इफेक्ट्स करता है, हमेशा याद रखना गाइज, 8 hours से ज़्यादा नहीं पहनना है, वो कोई भी लेंस हो हमेशा 8 hours ही वेयर करना है, वो मंथली हो, डेली यूज लेंस हो या ईयरली, हमेशा 8 hours तक ही रखना है, उसके बाद ही वो वॉश कर देना है। मतलब आप लोग एवरीडे भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इट शुड बी फॉर ओनली 8 hours, नॉट मोर देन दैट। मेरा लेंस आपको दिख रहा है और हाँ गाइस, मैं जो कलर यूज़ करती हूँ लेंस के लिए आईसी ब्लू है, आपको एक्वा कलर में, एक्वा लेंस में, इनफैक्ट मैंने ये लेंस कट से बाय द वे बाय किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत सारा कलर्स है, आईसी ब्लू है, डार्क ब्लू भी है, मुझे डार्क ब्लू पसंद नहीं है इसलिए मैंने आईसी ब्लू लिया है। हाँ, जैसे कि मैं कह रही थी गाइस, एक्चुअली मैं रिंग लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इसलिए मैं ठीक करने लग गई थी उसको। तो जैसे कि मैं कह रही थी, बहुत सारा शेड्स मिल जाएगा, हेजल, ग्रे है, मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम जो बाय करूँ, मैं सोच रही हूँ खरीदूँ और एक, बहुत हो गया आईसी ब्लू, अभी ग्रे वाला मुझे खरीदना है, हेजल ग्रे है, और भी बहुत सारा क्यूट क्यूट था, बहुत स्पाइसी वाला शेड्स है, बहुत अच्छा वाला शेड्स है, आपको जो सूट करेगा, आपको जो अच्छा भी लगता है, इनफैक्ट वहाँ पर ना 1 month के ट्रायल भी है, अभी काम कर सकता हो, ईयरली खरीदने से पहले 1 month का खरीद लीजिए। मैंने क्या किया था गाइस, मैंने पहले 1 month का खरीद लिया था जो आईसी ब्लू, मैंने देखा मुझे ये सूट कर रहा है तो मैंने ये वाला ईयरली खरीद लिया। मेरा रिंग लाइट को आज क्या हो गया, बार बार झुक जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया उस रिंग लाइट को, अच्छे से बैठ ही नहीं रहा है,
इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा वीडियो में, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। कब से ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ इसको, अभी लेंस वेयर कर लेती हूँ, आप लोग को दिखाना तो है, लाइक दिखाना भी तो है हाउ टू वेयर कॉन्टेक्ट लेंस। तो गाइस इस तरह आपने अपने कॉन्टेक्ट लेंस को हाथ में रखना होगा विद फिंगर, इस तरह, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ऐसा करके लो और आइस में घुसा दो, वैसा नहीं, मतलब इस तरह से सेंसिबली रखना होगा अपने हैंड में, दिस काइंड ऑफ ऐसा रखना होगा एंड आपको इस तरह पहनना होगा गाइस, आइस को उस तरफ डायरेक्शन में घुमाना होगा। एक आइस में मैंने पहन लिया गाइस, आंसू दे देता है यार कॉन्टेक्ट लेंसेस, एक बात है, डरिए मत, ये नहीं कि कुछ साइड इफेक्ट है, बट नहीं आंसू तो देगा। अभी दूसरा वाला मैं पहन लेती हूँ, लेफ्ट आइज में पहन लेती हूँ मैं, ये लेफ्ट आइज में ना मेरा हमेशा का है गाइस, राइट आइज में ना अच्छे से पहन लेती हूँ, लेफ्ट आइज में पहनने के लिए अभी भी मेरा 2-3 मिनट लग जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। आई डोंट नो कि जो डेली वेयर करते हैं लेंसेस उनके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं है, क्योंकि मे बी वो लोग बहुत साल से कर रहे हैं, बस 2 महीने ऊपर इस आइज में, राइट आइज में मेरा अच्छे से बैठ जाता है, बस लेफ्ट आइज में मेरा प्रॉब्लम होता है। सो गाइस मैंने दोनों आइज में वेयर कर लिया और अब मेरा आइज के डरिए मत, क्योंकि लेंस हमेशा रुला देता है पहनने के बाद, थोड़ा टाइम के लिए रुलाता है क्योंकि लेंस है ना गाइस, एंड लेंस थोड़ा टाइम के लिए रुलाएगा, कोई बात नहीं उसमें, हे भगवान मेरा मेकअप गल गल के उठ रहा है, इसलिए ना मैंने ज़्यादा मेकअप डीप भी नहीं किया आज, क्योंकि ना जब भी मैं कॉन्टेक्ट लेंसेस कोई भी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ ना, मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं यूज़ करती, इसलिए लाइनर भी नहीं लगा, हल्का सा आई शेडो एंड कंसीलर लेके बस अपने फेस को सेट कर लिया वीडियो के लिए। एंड हमेशा ना मेकअप, अगर आप लोग कोई मेकअप यूज़ करते हो, मेकअप से पहले कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज़ कीजिए, मतलब पहना कीजिए, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनने के बाद मेकअप कीजिए, क्योंकि ना अगर आप ऐसा कॉन्टेक्ट लेंसेज मतलब मेकअप के बाद पहनेंगे ना, तो आपका जो भी कंसीलर फाउंडेशन है वो आंसू से ही बह जाएगा, तो इसीलिए हमेशा मेकअप के आगे कॉन्टेक्ट लेंसेज वेयर कीजिए, ये मैं आप लोग को पहले ही बता देती हूँ, वरना आंसू से बह जाएगा। बस आज मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी इसलिए थोड़ा बहुत टचअप करके बैठी हूँ, पर थोड़ा बहुत उसमें देखो आंसू से निकल गया मेकअप। सो गाइस मैं अभी भी सोच रही हूँ ना, आप लोग अभी भी सोचते हो कि नहीं कॉन्टेक्ट लेंसेस नहीं पहनना, मैं भी आप लोग की तरह ही थी, मैं भी डरती थी, नहीं मुझे कॉन्टेक्ट लेंसेस बिल्कुल ज़िंदगी में नहीं पहनेंगे, मेरी आँख खराब हो जाएगी, मेरा आँख फूट जाएगा, पर हमेशा याद रखना गाइस, अच्छे कंपनी से खरीदना है, ईयरली खरीदना है, एक्सपायरी डेट हमेशा देखना है, कब से स्टार्ट है, कब ख़त्म होगा, एंड हैंड को वॉश करना है और 8 आवर्स के लिए पहनना है, तभी आपका ही सेफ रहेगा और डैमेज बिल्कुल नहीं होगा। एंड आप लोग सोचते होंगे कि कॉन्टेक्ट लेंस पहना बहुत टफ है, मैं भी पहले ये सोच रही बहुत ज़्यादा टफ है भाई, कैसे पहने कॉन्टेक्ट लेंसेस, पर इतना भी टफ नहीं है। आप लोग ने देखा कि मैं, आप लोग मैंने जस्ट 2 महीने के पहले वीडियो देखी, मुझे पहनना ही नहीं आ रहा था, पर अभी इतना इजीली वेयर कर लिया, बस इस आँख में 1 मिनट लग जाता है मेरा, वो भी शायद आफ्टर 4-2 मंथ्स वो भी ठीक हो जाएगा, घर ये सब हो गया वो भी ऐसे ही हो जाएगा, पर अभी तो मेरा एकदम प्रो हो चुकी हूँ मैं काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट लेंसेस पहनने में, अगर मैं हो सकती हूँ आप लोग भी हमें हो सकते हो, एंड कॉन्टेक्ट लेंसेस पहनना बहुत ही ईजी है गाइस, एंड आइज के लिए हार्मफुल नहीं है, अगर अच्छे कंपनी है, अगर एक्सपायरी डेट सब कुछ आप लोग ध्यान रखे खरीदेंगे, हैंड वॉश करके अगर कॉन्टेक्ट लेंसेस पहनेंगे तो बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, आप लोग अच्छे भी लगेंगे एंड आपका आइज बहुत ही सुंदर लगेगा जैसा मेरा आप भी लग रहा है। सो या गाइस इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ, या गाइस आई होप आपको ये वीडियो छोटा मोटा सा कॉन्टेक्ट लेंस वेयर करने का वीडियो अच्छा लगा एंड इजी भी लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड हिट द बेल आइकन, एंड इफ यू लाइक मी कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया साइट्स, एंड यस आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।